हेलो। तो आज सोचा थोड़ा हिंदी में बनाएंगे वीडियो, क्योंकि मेरे को इंग्लिश में बात करने में बहुत कंटाल आ रहा है और फ्लो नहीं बैठता अपना। तो ना आज बनाएंगे, क्या बनाएंगे? हाँ, ये बनाएंगे प्रॉन्स, प्रॉन्स पेस्टो पास्ता। ओके, प्रॉन्स है अपने पास, ये फ्रोजन है एक्चुअली, तो इसको पहला डिफ्रॉस्ट करना पड़ेगा। बढ़िया, ये डोनेगल कैच वाला है ना, मेरे को बहुत सस्ते में मिल गया, वो एक मस्त काम हो गया। एक काम करता हूँ, पूरा ही बना देता हूँ। तो प्रॉन्स का एक मस्त टेक्निक क्या है, इसको सूखना पानी में थोड़ा टाइम भिगा के रखने का, अपने आप फटाक से डिफ्रॉस्ट हो जाता है। ये वाला जो है ना, ये कुक्ड है, ठीक है, तो इसको ना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही डायरेक्ट भी मैं खा सकता हूँ, तो वो एक अच्छा बात है। तो अपन फिर पास्ता अपने को करना पड़ेगा, ठीक है। पास्ते के लिए ये गरम हो रहा है पैन, गरम पानी, मतलब पानी केटल में ऑलरेडी गरम था, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने इतना जल्दी कैसे गरम हो गया, मतलब थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। तो अभी करने अपने को पास्ता गरम। तो प्रॉब्लम कैसा है कि अभी इसमें डालेंगे पहला नमक। बहुत पब्लिक बोलता है कि नमक डालने का और तेल भी डालने का, तेल नहीं डालने का। तेल जो होता है ना, वो रेस्टोरेंट वाले डालते हैं, क्योंकि उनको बहुत टाइम तक पास्ता ठंडा करके बाहर रखना पड़ता है, और उसके वजह से क्या हो जाता है कि वो पास्ता चिपक जाता है, इसलिए वो लोग तेल डालते हैं, अपने वो डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जो पास्ता है, पास्ता में दिमाग क्या लगाने का कि ज़्यादा नहीं दिमाग लगाने का। हर पास्ता के पीछे लिखा होता है कि कितना टाइम के लिए रखना है, इसमें लिखा है 4 to 5 मिनट्स, किसी किसी का 8 मिनट, 9 मिनट, 20 मिनट भी होता है, तो उसके हिसाब से चलाने का, ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं। उधर 4-5 फूड साइंटिस्ट बैठ के इतना 10,000 किलो पास्ता गरम करें, और फिर उसका स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करके उन्होंने ये फिगर पे पहुँचे 4 to 5 मिनट्स। तो फालतू का अपना दिमाग मत लगाओ, तुम शेफ नहीं हो। तो ठीक है, तो इसमें मैं अभी एक्चुअली बनाने वाला हूँ 2 टाइम का, क्योंकि मैं अभी खाऊंगा और कल ऑफिस ले जाऊंगा। आठ बस हो गया ना? भी कैसा है ना, ना बहुत पब्लिक जो स्टूडेंट वूडेंट लोग आता है, इंडिया से बाहर आता है, वो लोग आइडिया नहीं रहता है कि क्या खाने का, क्या बनाने का, इधर के मार्केट में क्या मिलता है, उसके हिसाब से अपन ने क्या खाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए। तो ना जो सेंटों में चीज़ें मिलती है ना, यहाँ पे चीज़ें बहुत मस्त मिलती है, तो ना लेकिन वो बनाने को आना चाहिए अपने पब्लिक को। अभी इतने साल में मैंने जितना कुछ भी सीखा है खुद से, तो वो सब मैं इसमें डालने वाला हूँ, देखते हैं कैसा चलता है। तो पहले तो लेंगे, मेरे को और कुछ काटना है क्या? हाँ, चिली काटना है ना भाई। हाँ, चिली लेंगे, दो लेंगे कि एक लेंगे? एक्चुअली अपन 1.5 लेंगे, लेकिन ठीक है चलो। तो चिली कैसे काटते हैं? यहाँ पे वैसे इतना धोने की ज़रूरत पड़ता है नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुमको चाहिए तो धो लेना। हो गया, ठीक है चलो, दो ही चिल्ली कर लेते हैं, उसमें क्या है। इधर का चिल्ली तो ये ना अपना इंडियन वाला चिल्ली है नहीं, इंडिया का चिल्ली मैं लाता हूँ एशियन स्टोर से, लेकिन अभी वो है नहीं मेरे पास। लेकिन क्या करें, जो है वो यूज़ करना है, ख़त्म करना है ख़राब होने के पहले। तो ये वाला जो चिल्ली होता है ना, ये ज़्यादा तीखा होता नहीं, तुम कितना भी डालो, 8-10 चिल्ली डाल लो, कुछ नहीं होगा, लेकिन ना ये कड़वा कर देगा। तो इसलिए ना ऐसा सोचने का नहीं कि हाँ यहाँ की चिल्ली तो होती नहीं है कुछ ज़्यादा तीखी, तो कोई ज़रूरत नहीं, मतलब कि सॉरी कितना भी कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। पास्ता बॉयल होना शुरू हो गया, उस पर लिखा था 4 to 5 मिनट्स, तो अभी क्या करेंगे, फ़ोन में जाके, फ़ोन में अपन डालेंगे, एक्चुअली यू नो व्हाट,
3 मिनट 30 सेकंड का टाइमर लगाएंगे। ठीक है चलो, ये हो गया। तो अभी तक ना ये हो रहा है गरम, ठीक है, धीमी आंच पे एकदम, नो कॉम्प्रोमाइज। तो बस अभी ये हो गया, ये तो मेरे को एक समझता नहीं है। कोई कोई दुकान वाले क्या करते हैं, ये गार्लिक को फ्रिज में रख देते हैं, फिर हो जाता है ये सॉफ्ट। फालतू का अपने इधर कैसे गार्लिक ऐसा होना चाहिए कि एकदम बढ़िया गार्लिक बहुत डालो, और गार्लिक को फ्रिज में मत रखना भाई, सौगी बहुत हो जाता है। कोई कोई दुकान वाले सौगी कर देते हैं इसको फ्रिज में रख के ना, मेरा दिमाग हट जाता है। गार्लिक की जगह कहाँ होती है, कांदे के बाजू में, ठीक है। कांदा जहाँ रखते हैं उसके बाजू में गार्लिक होना चाहिए किसी भी शॉप में, अगर वो नहीं है तो फिर स्टोर गलत है। तो एनीवे चलो ठीक है, ये हो गया, इसको भी थोड़ा क्रश करेंगे। ठीक है, क्रश करने के बाद क्या हो जाता है कि थोड़ा मस्त हो जाएगा ये। ये मस्त हो गया, ये जो गरम हो रहा है इसके अंदर अपन डालेंगे मस्त बढ़िया सा थोड़ा ऑलिव ऑयल और थोड़ा सा बटर। बटर डालने के लिए पहले थोड़ा बढ़िया बटर डालने का ज़्यादा। तो अगर आप कोल्ड कंट्री में रह रहे हो ना, तो बटर और नॉनवेज के साथ थोड़ा खाते रहने का, थोड़ा थोड़ा बॉडी में हीट बना रहता है, मतलब इसको रख देंगे साइड में ना। ये हो रहा है, थोड़ा सा हीट बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे। हर चीज़ ना एकदम लो हीट पे पकाने का, अगर तुम बड़े शेफ नहीं हो, तुमको नहीं समझ रहा है, तो लो हीट पे रहो। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में क्या होगा कि मतलब ऐसा तुमको समझेगा नहीं कि भाई जल क्यों गया, ये क्यों गया। या तो अगर तुम स्लो हीट पे पका रहे हो, तो दूसरा प्रॉब्लम ये है कि तुमको ऐसा लगेगा कि अरे यार बहुत वेट करना पड़ रहा है। लेकिन वेट करना पड़ता है भाई, थोड़े टाइम के बाद तुमको जब भी आइडिया आ जाएगा कि खाना कैसे बनता है एकदम प्रॉपर, हर चीज़ की टेक्निक समझ जाएगी, फिर तुम खेलो हाई फ्लेम के साथ। अभी के लिए एकदम बेसिक लो फ्लेम पे रखना। इसको थोड़ा हिला रह रहा हूँ क्योंकि इसका प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना कि ये चिपक जाता है एक दूसरे को, तो थोड़ा हिलाते रहने का इसको एकदम मस्त बढ़िया। हाँ नाउ, तो अभी ये भी हो गया है, सब हो गया है, ये सब साइड में कर देते हैं, ये सब फेंकना है। तो अभी ये जैसे ही गर्म होने लगेगा, तो अभी अपना ये हो गया टाइमर, ठीक है, इसको एक बार चेक करते हैं फिर। थोड़ा इसको 30 सेकंड और होने देते हैं। ये ना पास्ता हल्का सा कच्चा रहना चाहिए, लेकिन एकदम भी नहीं कि वो ऐसा लगे कि थोड़ा कच्चा है, लेकिन ऐसा भी ना लगे कि बहुत ही कच्चा है, ठीक है। थोड़ा हो जाए, थोड़ा चाहिए तो और डाल सकते हो ऑलिव ऑयल को, एकदम बहुत सारा उमामी वाला टेस्ट चाहिए रहेगा ना, तो इसमें क्या करना है, थोड़ा सा एंचोवी का तेल डाल लेना है, जिसमें वो ऑलिव ऑयल के अंदर एंचोवी आती है, वो वाला अपना ऑलिव ऑयल एंचोवी वाला वो डालेगा ना, मस्त एकदम हल्का सा फिश का आता है, लेकिन वो समझ में नहीं आया किसी को, लेकिन ऐसा लगेगा कि भाई बहुत मस्त एकदम उमामी वाला फ्लेवर आ गया। लेकिन अभी वो मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा गार्लिक है उमामी के लिए, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। ऑलिव ऑयल का ना ज़्यादा सोचना मत, ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा होता है, डालो और डालो।
सॉरी इतना नहीं डालने का। हाँ तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हो गया, इसको अभी अपन रिंस मारेंगे। नाइस, ठंडे पानी में एक बार रिंस हो गया। तो रखने का साइड में नाउ, ओ ये बंद कर देना भाई। ओके ये हो गया, ये मस्त जब तक हो रहा है। तो कभी भी ना, जब भी तुमको श्योर नहीं है कि क्या कर रहे हो क्या नहीं, तो फटाक से पहला चीज़ करने है कि ये हटा देने का फ्लेम से। पैन एक बार हट गया ना फ्लेम से, फिर तुम आराम से बैठ के सोच सकते हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं और मेरे को क्या करना है नेक्स्ट। ठीक है, अभी मेरे पास है ये प्रॉन्स, ठीक है इसको थोड़ा अभी ये हो गया डिफ्रॉस्ट, क्या पानी निकालेंगे। जैसे ही पानी निकल जाएगा, पानी निकलते सही पूरा गया इसके अंदर, ये सीजल करना है, सीजल करना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, लेकिन और गर्मा गर्मी चाहिए था उसको। कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन अपना वैसे चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, एकदम बढ़िया चल रहा है। क्योंकि तो ये डाल दिया, इसको थोड़ा हाई हीट पे जा सकते हैं अपन। मस्त रहेगा तो ये वाला यूज़ करता हूँ मैं कभी कभी, लेकिन वैसे इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। तुम अपना नॉर्मल वाला भी यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो इसका सबसे बड़ा अभी इसमें सीन क्या है ना, कि तुमको इसमें डालना है बहुत सारा पेस्टो बाद में, तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन मत लो। थोड़ा बहुत बटर वटर लग सकता है अपने को, लेकिन उसका कोई टेंशन नहीं। तो अभी अपन बनाएंगे हाई फ्लेम पे। तो ये जो पक रहा है इसमें का अगर थोड़ा बहुत निकल गया पानी, उसके बाद में अपन इसमें घुसाएंगे पास्ता डायरेक्ट। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे अपने डालने हैं सॉल्ट और पेपर। मैं ना अपने मसालों को ज़्यादा पकने नहीं देता हूँ, क्योंकि वो पक पक के फ्राई अगर हो गए ना तो ना अच्छा टेस्ट नहीं देते। तो हमें याद रखने हैं, जो भी स्पाइसेस वाइसेस डालोगे ड्राई, उसको कभी जलाना नहीं, उसको जलने नहीं देना। ये हो रहा है, ये चल रहा है। ठीक है, ये है अपने पास, इसको घुसा दिया अंदर, इसको फुल फ्लेम पकड़ने दो। जैसे ये फुल फ्लेम पकड़ेगा इसको हिलाने का मस्त एकदम। वो जो गार्लिक है ना, वो एकदम ऐसा निकल के आना चाहिए। ठीक है, तुमको अगर गार्लिक बहुत ओवर पावरिंग लग रहा है तो वो टाइम पे ना क्या कर देने का कि थोड़ा सा ना ओनियन पाउडर डालने का। ओनियन पाउडर अपना टेस्को में मिलता है बहुत एकदम बढ़िया सस्ते में, कुछ 60 सेंट का कुछ मिलता है ओनियन पाउडर, मस्त है उसको। उसमें कोई भी चीज़ को अगर ओनियन के टेस्ट से अगर मीठा करना हो तो वो कर सकते हो। यूजुअली क्या करते हैं लोग, थोड़ा शक्कर वक्कर डाल देते, शक्कर वक्कर नहीं डालने और उससे ना बहुत मेरे को मज़ा नहीं आता खाने में। लेकिन कैसा ओनियन का जो स्वीटनेस होता है ना, उसका अपने जवान को है ना, उसको आदत है, अपने जीभ को आदत है उसका, तो वो वाला डालने का, ये वाला बकचोदी नहीं करने का कि शक्कर वक्कर डाल दिया, अरे बहुत मीठा है, बहुत तीखा है शक्कर डाल, नहीं 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 भाई, वो बहुत ही बेकार लगता है। ठीक है, अभी ये जो हो रहा है इसमें अभी अपन एक मेन चीज़ क्या करेंगे, इसमें अपने चाहिए और थोड़ा सा बटर, क्योंकि पास्ता बहुत ज़्यादा डाला है अपन ने। ठीक है, तो और थोड़ा इसमें डालेंगे बटर ना,
अभी देखो पास्ता ना थोड़ा थोड़ा नीचे चिपक रहा है, तो इसमें क्या करना है, इसका हीट एकदम लो कर देने का, इसको हिलाओ, इसको पास्ते को एकदम क्रीमी क्रीमी लगना चाहिए पास्ता ये टाइम पे, ठीक है। तो नहीं ये सब कुछ नहीं है तो डायरेक्ट इसको टॉस करने का। ठीक है एकदम क्रीमी क्रीमी सा लग रहा है कि नहीं, बढ़िया। अभी ये पॉइंट पे एक छोटा सा टेस्ट कर लेने का, देखने हैं कि भाई क्या चल कह रहा है। टेस्ट मेरे को मस्त लग रहा है, अभी इसको चाहिए तो ऐसे ही खा सकते हैं, मस्त लग रहा है एकदम। गार्लिक मिर्ची और प्रॉन्स का बढ़िया टेस्ट आ रहा है, बटर के साथ एकदम मजबूत लग रहा है। लेकिन इसमें ना जो मेन इंग्रेडिएंट है ना वो है अपना ये पेस्टो, ये इसको एकदम नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। पेस्टो अपना कितना तो भी सस्ते में मिलता है टेस्को में इधर उधर, ये भी टेस्को वाला ही है। पेस्टो लेने का, बना डालने का, मज़ा आ जाता है। ठीक है तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ, 1.5 चम्मच पर मील के हिसाब से डालता हूँ, मतलब अगर मैं अकेला खाने वाला हूँ तो 1.5 चम्मच डालता हूँ। अभी ये मैं 2 टाइम के लिए बना रहा हूँ, तो ये 2 टाइम का है। तो पेस्टो में क्या होता है, पेस्टो में शायद चीज़ होता है, बेजल होता है अपना, तुलसी और पाइन नट्स या ऐसा बहुत कुछ बकचोदी होता है उसके अंदर, तो वो मस्त रहता है। तो वो मैं रेगुलरली खाता हूँ क्योंकि उसमें मतलब मस्त वेज है, चीज़ है, सब कुछ है। अभी ये जो है पास्ता हो गया एकदम बढ़िया, एकदम नो कॉम्प्रोमाइज। ये जो है ये मैं खाऊंगा 2 बार। अभी ये बना है एकदम मस्त, अभी कितना 15 मिनट में बन गया स्टार्ट टू फिनिश स्क्रैच से। तो इतना अच्छा मजबूत वाला आइटम बना सकते हैं और एकदम सस्ते में टेस्को वाले आइटम से सब, और टेंशन नहीं लेने का मोने को खाने का। ठीक है अब मैं जाऊँगा और ये प्लेट वेट लेके इसमें ना मस्त वाला पास्ता डालूंगा, आधा पास्ता अपने टिफिन में डालूंगा और कल ऑफिस जाऊंगा और मस्त इसको खा जाऊंगा। जो वापस रखोगे तो हॉट वाले पे मत रखना। अब ये आखिरी चीज है, अगर तुमको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, क्योंकि ये टेस्ट को कभी कभी थोड़ा ओवर पावर कर देता है। लेकिन कोई नहीं, ये है अपना टेस्को का पार्मेजान चीज, ये थोड़ा सा ऐसा अपना ऊपर से डाल दिया, एकदम मस्त, एकदम बढ़िया हो गया, एकदम फुल टू फंटास्टिक है कि नहीं। आय हाय हाय क्या बढ़िया दिख रहा है रे, मजबूत। चलो मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, अभी तुम लोग भी जाओ कुछ बनाओ खाओ और देख लो भाई अपना, बाय।